हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। दिस इज सागर सर फ्रॉम जिज्ञासा क्लासेस। जिज्ञासा क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। वेलकम टू ऑल टू यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड आपका टेलीग्राम चैनल पे सभी लोगों का स्वागत है। सभी लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारी मैराथन सीरीज चल रही है क्लास 10th और क्लास 12th के लिए। तो हम लोग आज इस वीडियो के साथ क्लास 12th की मैराथन स्टार्ट कर रहे हैं अपने चैप्टर मैट्रिसेस से। ठीक है, सबसे इजी चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। आप लोगों जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए वीडियोस आएंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपको पसंद आती है। और आप हमें सभी जगह ज्वाइन कीजिए, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और अपने यूट्यूब चैनल पे। कंटिन्यूस जुड़े रहिए और आप लोगों के लिए सैंपल पेपर और सबसे अच्छी थ्योरी सिर्फ हमारे चैनल जिज्ञासा क्लासेस पे आप लोगों को मिलती रहेगी। सो स्टे ट्यून्ड विद जिज्ञासा क्लासेस। जल्दी से देखते हैं क्या है आपके चैप्टर, किसमें, मैट्रिसेस में। ठीक है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। चलिए, दिस इज द पार्ट वन, क्विक रिविजन नोट्स फ्रॉम जिज्ञासा क्लासेस। सबसे बेटर नॉलेज आपको दी जाएगी। ठीक है बच्चों, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से पढ़ना है। सो मैट्रिसेस क्या होता है? मैट्रिसेस आपका एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। मैट्रिसेस क्या है आपका? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर और फंक्शन का। ठीक है, मैट्रिसेस क्या है? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। क्या है? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, या मैं बोलूं कि अरेंजमेंट कहते हैं नंबर्स का। ठीक है, किस फॉर्म में? रेक्टेंगुलर फॉर्म में, रोज और कॉलम्स की फॉर्म में। ठीक है बच्चे लोग, तो जो उनके नंबर्स होते हैं तो उन्हें क्या बोला जाता है? एलिमेंट्स बोला जाता है और एंट्रीज बोली जाती है। क्या बोला जाता है? या तो एलिमेंट्स बोला जाता है या एंट्रीज बोली जाती है, किसकी? मैट्रिसेस की। ठीक है बच्चे लोग, आगे चलें। उसके बाद आपको बताना होता है कि ऑर्डर क्या होता है मैट्रिसेस का। मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होता है? ठीक है, मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होता है? ठीक, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो आप याद रखिए कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो रोज और कॉलम्स के फॉर्म में अरेंज होते हैं। तो अगर हमने माना कि एक मैट्रिसेस के अंदर m रोज होती हैं और n कॉलम्स होते हैं, तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? m इंटू n। ऑर्डर क्या हो जाएगा उसका? m इंटू n। और अगर मैं m इंटू n दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे उस मैट्रिसेस के। ठीक है बच्चे लोग, तो जनरल ये अरेंजमेंट होता है आपका मैट्रिसेस का, A11, A12, up to 3, up to, और ये कहां तक चलेगा? और ये कहां तक चलेगा आपका? AMN तक चलेगा। ठीक है, ये जो आपको A1, A13, A12, A13 दिखाई जा रही है, तो इसे क्या बोलेंगे आप? इसे बोलेंगे फर्स्ट रो। ये आपकी सेकंड रो और ये आपके लास्ट वाली रो। ऐसे ही ये आपका बच्चे लोग फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, ये आपका लास्ट वाला कॉलम। ठीक है, और किसी भी मैट्रिक्स को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वो रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से। किसी भी मैट्रिक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ए आई जे, आई फॉर रो और जे फॉर कॉलम, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? एम इंटू एन। ठीक है, नाउ कितने टाइप की मैट्रिसेस आपकी होती हैं? पहले टाइप की मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होती है। रो कितनी भी हो सकती है, रो कितनी भी हो सकती है, पर कॉलम एक ही होगा। ठीक है, इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसका ऑर्डर क्या होगा? तीन रो है, एक कॉलम है, तो 3 into 1। ठीक है, जिसका सिर्फ एक रो, जिसका सिर्फ एक कॉलम होगा, तो आपकी कॉलम मैट्रिक्स होगी। यानी बाद वाला आपका क्या होगा? बाद वाला आपका 1 होगा। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है, बाद वाला क्या होगा आपका? 1 होगा। ऐसी रो मैट्रिक्स जिसमें एक रो होगी, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 into 3। तो यानी ये वाला आपका हमेशा क्या रहेगा ऑर्डर? 1 into n। ठीक, चलिए आगे। इसके बाद आता है स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें रो और कॉलम आपके इक्वल होंगे, उसे स्क्वायर मैट्रिक्स बोला जाएगा। इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, यानी 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4, दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स, दिस इज 2 by 2 मैट्रिक्स। तो ऑर्डर उसका सेम होगा, m by m, और आप n into n भी ले सकते हो, जैसे A11, A12, A22, A33, up to ann। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? ये आपकी एक स्क्वायर मैट्रिक्स बच्चे लोग हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये मैट्रिक्स कौन सी हो जाएगी आपकी? स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद नेक्स्ट मैट्रिक्स देखते हैं कौन सी है। नेक्स्ट है आपकी डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती हैं जिसके अंदर सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपके जीरो होते हैं। एक डायगोनल मैट्रिक्स वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर सिर्फ आपके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपके जीरो होते हैं, वो मैट्रिक्स आपकी डायगोनल मैट्रिक्स होती है। ठीक है, याद रखिएगा। स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जो एक डायगोनल भी होगी और स्क्वायर भी होगी,
और जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं, जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं वो मैट्रिक्स कौन सी होती है आपकी, स्केलर। इसके बाद आता है आपका, ठीक है, एक स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हो सकती है, पर एक डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर नहीं हो सकती क्योंकि उसके डायगोनल एलिमेंट सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, सेम है तो वो स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है। अब यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, पहली बात यूनिट मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, और एक स्केलर भी है, और साथ में उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो वन होंगे, तो जिसके डायगोनल एलिमेंट्स वन होंगे वो आपके आपके यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बच्चे लोग होगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, याद रखिएगा जिसके डायगोनल एलिमेंट्स वन होते हैं वो यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। जीरो और नल मैट्रिक्स, तो जिसके सारे एलिमेंट जीरो होते हैं वो जीरो और नल मैट्रिक्स होते हैं, जिसके सारे एलिमेंट जीरो होते हैं वो आपकी जीरो और नल मैट्रिक्स कहलाई जाती है, याद रखेंगे मेरे सभी बच्चे, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नाउ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, तो बच्चे लोग दो मैट्रिक्स आपकी इक्वल कब हो सकती है, तो दो मैट्रिक्स आपके तब इक्वल होंगी जब एक तो उनका ऑर्डर सेम होगा और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे या सेम हो जाएंगे। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स कहती है कि दो मैट्रिक्स आपके इक्वल होंगी जब उनका ऑर्डर सेम होगा और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसका डिटर्मिनेंट ए जीरो होता है, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पे हमारी डिटर्मिनेंट की बात नहीं हो रही है, पर क्योंकि मैट्रिक्स में आती है इसलिए हम इसे यहीं पढ़ रहे हैं। तो सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसका डिटर्मिनेंट ए क्या होता है, जीरो होता है, तो वो आपकी सिंगुलर मैट्रिक्स है। और अगर डिटर्मिनेंट ए जीरो नहीं होगा तो वो आपकी कैसी मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसके बाद ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है कि जिसका जिस मैट्रिक्स को मैं उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करूं तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, तो वो मैट्रिक्स मेरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है। अगर मैं एक मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करूं तो अगर वो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो वो आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है। इसके बाद आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स, आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसका स्क्वायर करूं अगर वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, अगर मैं किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करूं और वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स, क्या बोलते हैं, आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स। एक होती है निलपोटेंट मैट्रिक्स, ये निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है बच्चे लोग, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका मैं स्क्वायर करूं और वो जीरो के इक्वल आ जाए, अगर मैं किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करूं या कितनी भी बार अगर मैं उसे मल्टीप्लाई करूं अगर वो आपका जीरो के इक्वल आ जाए तो वो मैट्रिक्स आपके निलपोटेंट हो जाती है। अब यूनिटरी मैट्रिक्स, अब जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती है, एक यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, अगर मैं किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करूं अगर I के इक्वल आ जाए यानी कि आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए तो वो मैट्रिक्स मेरी यूनिटरी मैट्रिक्स कहलाई जाएगी। अब किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करूं और आइडेंटिटी के इक्वल आ जाती है तो वो मेरी यूनिटरी मैट्रिक्स कहलाई जाती है। ओके बच्चे लोग, नाउ ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस, इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहले एडिशन एंड सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, एडिशन करते हैं मैट्रिसेस का, क्या करेंगे एडिशन, यानी दो मैट्रिक्स को कब प्लस किया जा सकता है, जब उनका ऑर्डर सेम होगा। देखिए मैंने दोनों का ऑर्डर सेम दिखा रखा है, एम इन टू एन, एम इन टू एन, अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तो वो दोनों मैट्रिक्स क्या हो सकती है बच्चे लोग, दोनों मैट्रिक्स आपकी ऐड हो जाएंगी, ठीक है, दोनों मैट्रिक्स आपकी ऐड हो जाएंगे, ए प्लस बी आपका ए आई जे प्लस बी आई जे एम इन टू एन के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ऐसे बच्चे लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे हम लोग, तो दो मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट हो सकती है जब उनका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा, जब उनका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा, तो आप दो मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं व्हेन दे हैव द सेम ऑर्डर, व्हेन दे हैव द सेम ऑर्डर, तो टू मैट्रिसेस आर सब्ट्रैक्टेड, ठीक है, दो मैट्रिक्स आपकी सब्ट्रैक्ट हो सकती है। इसके बाद प्रॉपर्टीज आती है आपकी एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की, आप प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे मैट्रिक्स एडिशन की। सबसे पहले कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सभी बच्चों को पता होती है, यानी अगर मैं किसी मैट्रिक्स को ए को बी में प्लस करूं या बी को ए में प्लस करूं, आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। इसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तीन मैट्रिसेस के बीच में होती है, अगर मैं पहले बी और सी को प्लस करूं फिर ए को प्लस करूं, उसके बाद अगर मैं ए और बी को प्लस करूं उसके बाद सी को प्लस करूं, तो मेरे दोनों आंसर क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नाउ एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, यानी अगर कोई एक मैट्रिक्स है मेरी m बाय n मैट्रिक्स है, ठीक है, और अगर एक ओ क्या है, एक जीरो मैट्रिक्स है,
तो अगर मैं a को 0 में प्लस करूं या 0 को a में प्लस करूं तो मेरा किसके इक्वल आएगा, a के इक्वल आएगा। सो दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड व्हाट, एडिटिव आइडेंटिटी कंडीशन या प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, राइट। a प्लस 0 और 0 प्लस a हमेशा किसके इक्वल आएगा, a के इक्वल आएगा, देन दैट इज कॉल्ड व्हाट, बताइए जरा व्हाट इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड दैट मैट्रिक्स हैविंग एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब इनवर्स देखिए, अगर मैं a में माइनस ए प्लस कर दूं या माइनस ए में a प्लस कर दूं तो वो हमेशा जीरो के इक्वल आएगा, एंड दैट इज कॉल्ड एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, यानी उसके नेगेटिव साइन से अगर प्लस कर दूं तो दैट इज कॉल्ड क्या, एडिटिव इनवर्स, ठीक है। उसके बाद कुछ नोट है मेरे, इंपॉर्टेंट नोट है, अगर a और b आपका ऑर्डर सेम और b का ऑर्डर सेम और b का ऑर्डर सेम नहीं है तो a प्लस b आपका होगा ही नहीं। तो यानी कि अगर आपको दो मैट्रिसेस को प्लस करना है, अगर आपको दो मैट्रिसेस को प्लस करना है तो उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उसके बाद ठीक है, तो आपको याद रखना होगा बच्चे लोग कि दो मैट्रिसेस को आप कब प्लस कर सकते हैं, जब उनका ऑर्डर क्या होगा, सेम ऑर्डर उनका होगा, राइट। आगे चलते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर नंबर। अगर मुझे किसी मैट्रिक्स को एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करना है, सपोज के से, तो उस के को सारे सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ एक से मल्टीप्लाई करके मत छोड़ दीजिएगा। अगर किसी नंबर को हम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम सारे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। Now, इसके बाद प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, देखते हैं क्या कहती है प्रॉपर्टी हमसे, भाई कुछ तो कहेगी, देखते हैं क्या कहती है प्रॉपर्टी हमसे, राइट। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या प्रॉपर्टी है, अगर हम किसी स्केलर मल्टीप्लिकेशन k को a प्लस b में ऐड कर रहे हैं तो वो k a प्लस k b के इक्वल होगा। सपोज k आपका कोई भी स्केलर नंबर हो सकता है, अगर हम उसे क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं और बाहर ब्रैकेट के बाहर k है तो वाक्य दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। नाउ दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे, अब हम बहुत इजी टॉपिक है, पेपर में बहुत जगह इस्तेमाल किया करा जाता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अगर ए और बी है, मेरी दो मैट्रिसेस हैं और ए बी आपको निकालना है, वो डिफाइंड है, ठीक है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, जब पहली मैट्रिक्स का कॉलम नंबर, जब पहली मैट्रिक्स का कॉलम नंबर दूसरे के रो नंबर के इक्वल होगा, जब पहली मैट्रिक्स का कॉलम नंबर दूसरे के रो नंबर के इक्वल होगा तो उसे क्या बोला जाएगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे फिगर में देखिए, ठीक है, या नीचे देखिए, नीचे क्या दिखाया जा रहा है आपको, अगर एक ए मैट्रिक्स है एक बी मैट्रिक्स है, देखिए पहले वाले का जो कॉलम नंबर है एन, वो दूसरे वाले के रो नंबर के इक्वल है एन के, तो यहाँ पे मेरा ए इंटू बी पॉसिबल है जो कि सी के इक्वल आएगा, और जो बची हुई जो नई मैट्रिक्स मेरी बचेगी उसका ऑर्डर क्या आएगा, m into p, उसका ऑर्डर क्या आएगा, m into p, यानी जो बचे वाले का ऑर्डर होगा वो मेरा आंसर बच्चे लोग आ जाएगा, ठीक है। ये ज्यादा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं, खास जरूरत नहीं है, ओके। आगे चलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। नॉन कम्यूटेटिविटी, इसका मतलब है जनरली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपकी कम्यूटेटिव नहीं होती, यानी जनरली ए बी आपका बी ए के इक्वल हो भी सकता है जनरली और नहीं भी हो सकता है, ज्यादातर नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे नॉन कम्यूटेटिविटी की प्रॉपर्टी शो हो रही है, ठीक है। नॉन कम्यूटेटिविटी की प्रॉपर्टी शो हो रही है क्योंकि जनरली कम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक है बच्चे लोग। नाउ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, ए की मल्टीप्लाई बी सी से करूं या ए बी की मल्टीप्लाई सी से करूं तो वो आपके इक्वल आएंगे, एंड दैट इज कॉल्ड द एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, क्या बोलेंगे उसे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है बच्चे लोग, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होगा, क्या कोई मुझे बता सकता है कि क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का, इसका मतलब है कि i की मल्टीप्लाई a से करूं या a की मल्टीप्लाई i से करूं आइडेंटिटी से, तो वो हमेशा a के इक्वल आएगा, एंड दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, a की c से करूंगा b प्लस c से करूंगा तो वो मेरा ए बी प्लस ए सी के इक्वल होना चाहिए, एंड दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक। अगर a और b मेरी दो नॉन जीरो मैट्रिसेस हैं, कैसी मैट्रिक्स है, नॉन जीरो मैट्रिक्स है, तो उसका प्रोडक्ट मेरा जीरो आ सकता है। अगर a और b मेरी नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो उसका मेरा प्रोडक्ट क्या आ सकता है, जीरो आ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि a इंटू बी जीरो आ जाए या ना आ जाए, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। इसके बाद आता है मेरा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स।
ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि आपको रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज करना है, यानी ए आई जे एम इंटू एन के किसके इक्वल हो जाएगा, ए आई जे एन इंटू एम के इक्वल मेरा हो जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज का मतलब है रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो, एंड दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो एम इंटू एन जो ऑर्डर है वो एन इंटू एम के इक्वल हो जाएगा, जो एम इंटू एन के इक्वल हो जाएगा वो एन इंटू एम के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा बेटा लोग। तो यानी कि m into n किसके इक्वल हो जाएगा, n into m के इक्वल हो जाएगा, राइट। तो ट्रांसपोज को हम लोग, ट्रांसपोज को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, या तो at से रिप्रेजेंट करते हैं या a डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, at से रिप्रेजेंट करते हैं या a डैश से रिप्रेजेंट करते हैं ट्रांसपोज को, at से या a डैश से रिप्रेजेंट करते हैं किसे, ट्रांसपोज को, याद रखिएगा, at से या a डैश से, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट हम लोग कर देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, वन के। अब हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, किसकी हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, किसकी, ट्रांसपोज की। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ए के। यानी अगर मैं किसी मैट्रिक्स का दो बार ट्रांसपोज कर दूं तो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। ए प्लस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के, राइट। ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा याद रखिएगा, ये बहुत जगह काम आएगी हमारे, है ना, क्वेश्चन आंसर जब करेंगे बहुत जगह काम आएगी। के ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, के ए का ट्रांसपोज आपका इक्वल होगा, के बाहर आ जाएगा इक्वल होगा, के बाहर इक्वल होगा, के बाहर आ जाएगा ए ट्रांसपोज के, ए ट्रांसपोज के इक्वल हो जाएगा बच्चे लोग। ओके, ए की पावर एन का ट्रांसपोज, ए की पावर एन का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए ट्रांसपोज के एन के। ठीक है, ये याद रखिएगा। ए बी सी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। ठीक, ए बी सी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के बच्चे लोग इक्वल होगा, याद रखिएगा। कोई भी बच्चा जल्दबाजी ना करे, गलती ना करे, पूरी वीडियो देखें, अच्छे से समझें। हम लोग बारी बारी से सारे चैप्टर अपलोड करेंगे बहुत जल्दी से। मकसद एक है, अच्छे नंबर लाना और अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट को समझना, सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना, क्लियर करना। जल्द से जल्द सारे वीडियो, सारे चैप्टर्स अपलोड होंगे आपके प्रीमियर के फॉर्म में, आप लोग लाइव देखिएगा सबके लिए। जल्दी जल्दी सारी वीडियोस अपलोड हो रही हैं क्लास 10 क्लास 12 के लिए। आप हमें ज्वाइन कर रखिए, कहाँ कहाँ ज्वाइन करना है, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे, जिज्ञासा क्लासेस हमेशा आपके साथ। नाउ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन से होते हैं, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखिएगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन से होते हैं, अगर मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करता हूं और वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है, अगर मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करता हूं और उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन से होते हैं, अगर मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करता हूं और वो उसके नेगेटिव साइन के इक्वल आता है, अगर मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करता हूं और वो उसके नेगेटिव साइन के इक्वल आता है तो उसे बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज आपका सिमेट्रिक होगा। ठीक है, यानी अगर मैं क्या बोलूं, अगर आपका कोई एक ए मैट्रिक्स है, अगर वो सिमेट्रिक है, ठीक है, तो ए प्लस सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक होगा, और ए माइनस ए ट्रांसपोज आपका स्क्यू सिमेट्रिक होगा, क्योंकि नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, सिमेट हो जाएगा, सिमेट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा इस बात को, क्वेश्चन करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अगर a प्लस बी, अगर a और b आपकी दो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो a प्लस b भी आपकी सिमेट्रिक होगी। ये तो मैंने ऊपर लिखा ही था, ठीक है, दोबारा से आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर a और b आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर की तो ए बी भी आपकी सिमेट्रिक होगी। बी ए किसके इक्वल होना चाहिए, ए बी के। अगर बी ए ए बी के इक्वल है तो ए बी आपका सिमेट्रिक बच्चे लोग होगा, क्यों, ए ट्रांसपोज ए के और बी ट्रांसपोज आपका बी के इक्वल हो जाएगा, तो ए बी और बी आपके इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा, ये लाइन फोर्थ वाली जो है तो बहुत इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन बनते हैं, एवरी बनते हैं। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये मैं आपको क्वेश्चन में कराऊंगा, जब क्वेश्चन कराऊंगा इस चैप्टर के, तो आप लोग ज्वाइन कीजिएगा जरूर मेरे क्वेश्चन को, इसके ऊपर खूब सारे क्वेश्चन आएंगे। ये क्वेश्चन आपका बनता है एनसीईआरटी का भी है, आरएस में भी है आपका,
इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक एंड ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर ध्यान रखिएगा कि ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज करेंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक आएगा और ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज करेंगे तो वो मेरा सिमेट्रिक आएगा बच्चे लोग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नाउ थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग दिस वीडियो एंड कंप्लीट दिस वीडियो सून एंड सून एंड सून। जल्दी से इस वीडियो को कंप्लीट कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। जल्द से जल्द आपके सारे चैप्टर्स अपलोड किए जाएंगे क्लास 12 के सभी बच्चे। वेरी वेरी थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू द जिज्ञासा क्लासेस। ज्वाइन करते रहिए जिज्ञासा क्लासेस को फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे और आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पे। जल्द ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। क्लास 12 के सभी बच्चे ज्वाइन कीजिए, अपने फ्रेंड्स को 9, 10, 11, 12 सभी बच्चों को शेयर कीजिए और हमारा नया चैनल जिज्ञासा मोटिवेशंस आपका फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल पे उसे ज्वाइन कीजिए और मोटिवेट करते रहिए खुद को और दूसरे को। बेटर स्टडी करना है, बेटर पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे नंबर लेके आने। गुड लक, ऑल द बेस्ट, हैव जिज्ञासा। जय हिंद, जय भारत।